आज हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और भी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वह रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यह सारा जो है रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हम जो रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें कम्बिनेशन यानी कम्बिनेशन जो है कंबाइन से बना हुआ है, कंबाइन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि ए बी, ए प्लस बी या मिल के ए बी बन जाए, यानी दो या मोर देन दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी देखो एक है एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस या दोनों सब्सटेंस मिला एक सब्सटेंस बन गया, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा है कि रिएक्शन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज अ रिएक्शन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलेगा और एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सी प्लस ओ टू, यह आपका सी ओ टू एक यह हो गया। दूसरा देखो कि एम जी प्लस ओ टू, यहाँ पे आपका क्या हो गया MgO, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे टू लगा दिए, इधर टू लगा दिए, ट्वाइस MgO हो गया। फिर H2 प्लस O2, यह क्या हो जाएगा H2O, ठीक है, यानी कि ट्वाइस H2O, बैलेंस कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है एक सिंगल हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट टू या मोर देन टू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा एक ही होगा। इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही, यह देखिए कि सी प्लस ओ टू, यह आपका CO, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे ट्वाइस सी प्लस ओ टू या CO, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं दो जो है सब्सटेंस मिला एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, यह भी कौन सा हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो गया, जिससे H2 प्लस Cl2 यह बना है ट्वाइस HCl,
यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्या हो गया कि दो सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, यह भी आपका कम्बिनेशन रिएक्शन ही आपका होगा। जैसे Na plus Cl2 यह आपका बना twice NaCl, ठीक है, यह आपका NaCl बना है, तो टू इधर भी टू दे दिए, यह आपका बैलेंस भी हो गया। यहाँ पे देखिए एक सोडियम क्लोरीन यानी सोडियम और क्लोरीन मिला, क्या बना, एक सिंगल सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड बना, यानी कि यहाँ पे भी देख रहे हैं दो सब्सटेंस मिला, एक ही सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टार्ट के रिएक्शन को यार कौन सा रिएक्शन हुआ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की फेरम यानी कि आयरन प्लस आपका एस सल्फर, यह आपका फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, यह भी रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, यह आपका बना कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को स्लैक लाइन भी स्लैग लाइन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और या क्विक लाइन भी बोलते हैं, क्विक लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलता है तो क्या बनता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यानी CaO2 बना। यहाँ पे भी देखते हैं दो मिला एक में कन्वर्ट हुआ, दो मिलके एक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, वह आपका NH3 प्लस HCl। NH3 क्या है, यह आपका अमोनिया, NH3 अमोनिया है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है, यह HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, यह रिएक्ट किया, यह रिएक्ट किया तो क्या बनता है, NH4Cl, ठीक है, यह अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, यह सॉलिड फॉर्म में होता है याद रखिएगा। यह क्या है यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड जो है रिएक्ट विथ HCl यानी दो सब्सटेंस टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, क्या है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ठीक है, तो यह भी यहाँ पे भी देख रहे हैं यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका है, यानी ऑल ओवर रिजल्ट क्या आया, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन विथ सिंगल सब्सटेंस, अगर एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब चलते हैं कि दूसरा जो रिएक्शन है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डी कंपोजिशन रिएक्शन, देखिएगा अभी हम लोग क्या देखे कि रिएक्टेंट टू या मोर देन टू अ प्रोडक्ट सिंगल, डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब होता है कि तोड़ना टूटना ब्रेक करना, ठीक है, यानी यहां पे रिएक्टेंट एक होगा प्रोडक्ट टू और मोर देन टू होगा,
ठीक है, यानी कि एक ए यह रिएक्ट करेगा, ठीक है, या हीट के हीट देने के बाद या समथिंग सनलाइट के प्रेजेंट में या जो भी हो, जो भी आपका कंडीशन होगा, वह ए जो है टूट के बी प्लस सी, या और भी हो सकता है टू या मोर देन टू, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि दैट इज अ रिएक्शन इज सेड टू बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट इंटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस। अब एक चीज देखिए कि कभी कभी क्या करता है कि इस तरह से आपका नहीं पूछेगा, या तो हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन पूछ दे या शॉर्ट नोट्स पूछ दे, ठीक है, इस तरह से ना पूछ के बोलेगा कि प्रॉपर्टी बताइए कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी देखिए, डिफिनेशन नहीं प्रॉपर्टी, सबसे पहला रिएक्टेंट इसमें सिंगल होगा, प्रोडक्ट सके फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, प्रोडक्ट क्या होगा टू और मोर देन टू होगा, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा यही दे दिए तो तीन तो प्रॉपर्टी आराम से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यह याद रखिएगा, जितना भी डिफिनेशन है उससे हम लोग प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, जैसे आपका CaCO3 जो है यह आपका लाइम स्टोन कहलाता है, लाइम स्टोन, ठीक है, ऐसे इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, इसका यह सिंबल है हीट का, याद रखिएगा यह जो सिंबल है यह किसका सिंबल है, हीट का, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है या उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग हीट देते हैं, यह भी टू और मोर देन टू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, वह क्या है, CaO प्लस आपका CO2, ठीक है। और CaO इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देख रहे हैं, एक सिंगल कन्वर्ट हो रहा है दो डबल में, यानी कि दो में कन्वर्ट हो गया, दो सब्सटेंस बन गया, एक सिंगल सब्सटेंस दो नया सब्सटेंस को बना रहा है, ऐसा रिएक्शन जो होगा वह आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका होगा, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, यह देखिए कि ट्वाइस के CLO3, इसमें हम लोग हीट देते हैं, ट्वाइस के Cl प्लस ट्वाइस O2, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है, या देखिए यहां पे देखिए, यह क्या है, थ्री
थ्री यानी सी एल ओ थ्री सी ओ थ्री, ठीक है, इस तरह से एन ओ थ्री किसी सब्सटेंस किसी एलिमेंट के साथ अगर यह जुड़ता रहता है तो उसका नाम नाम मिल इसको कार्बोनेट कार्बोनेट क्लोरेट नाइट्रेट, ठीक है, और कार्बन के साथ जुड़ा है कार्बन कार्बोनेट, सॉरी अगर कैल्शियम के साथ जुड़ा है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम के साथ जुड़ा है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम के साथ जुड़ा है पोटेशियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ यह जुड़ा है सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम के साथ जुड़ा है पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा है मैग्नीशियम क्लोरेट, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह नाइट्रेट में भी यही होगा सोडियम नाइट्रेट कार्बन नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे केवल यहाँ पे हो सकता है कि इस यहाँ पे जो जुड़ा रह सकता है कार्बन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है सोडियम भी हो सकता है कुछ भी हम लोग डालेंगे, यह चीज केवल देखेंगे CO3 है कार्बोनेट होगा, क्लोर CLO3 है क्लोरेट होगा, आपका नाइट्रेट है तो NO3 होगा। समझ में आ गया ना नेमिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं CLO3 है या K है, के मतलब पोटेशियम, CLO3 के बारे में हम लोग जानते हैं क्लोरेट होता है यानी पोटेशियम क्लोरेट, इसको पढ़ेंगे कैसे पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होता है ठीक है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको लिखेंगे कैसे कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू फॉर्म आपका क्या कैल्शियम आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट रिया पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज, ठीक है, क्या पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज, एक तो आंसर क्या होगा कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू फॉर्म KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, एक या दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट गिव हीट इन पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि हम लोग अगर हीट देते हैं किसमें पोटेशियम क्लोरेट में तो क्या होता है क्या होता है तो फॉर्म होता है क्या फॉर्म होता है पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन, इस तरह भी यह पूछा जा सकता है। वैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा या डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कहलाएगा। और कुछ लेते हैं थोड़ा सा इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो जैसे FeSO4 में अगर हम लोग हीट देते हैं यह कन्वर्ट होता है Fe2O3 या सॉलिड फॉर्म प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे देखिए यह फेरस सल्फेट है या क्या है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट दोनों चीज बोलते हैं या तो फेरस सल्फेट होगा या तो आयरन सल्फेट होगा, ठीक है, क्योंकि Fe का जो नाम है फेरम नाम है ग्रीक नाम जो ओरिजिनल नाम है Fe का वो फेरम ही है, हम लोग आयरन उसको बोलते हैं बोलचाल के भाषा में आयरन उसको बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट बोलो या आयरन सल्फेट बोलो दोनों सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक सिंगल जो कन्वर्ट हो रहा है मोर देन टू में कौन कौन आपका Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड है जिसको आपको आप लोग क्या बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है फिर सल्फर डाइऑक्साइड है और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड,
या सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी तीन सब्सटेंस में या क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, यानी एक सिंगल जो है तीन में मोर देन टू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या एग्जांपल जो है किसका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इसको भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन कि फेरस सल्फेट जो है वह डिकम्पोज हो रहा है, वह डिकम्पोज हो रहा है तो क्या क्या बनाएगा, यह आपका Fe2O3SO2SO3। इसलिए रिएक्शन आप लोग जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हो आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे वह हम लोग लेते हैं जैसे PbNO3NOP2, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, यह क्या है आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है, यह डीकम्पोज होता है, हमेशा याद रखिएगा डीकम्पोज जो जब भी होगा उसमें हम लोग को हीट देना होता है, अगर हीट नहीं देंगे डीकम्पोज होगा ही नहीं, समझ में आ गया। तो यहां पे भी आप लोग बोलोगे सर यहां पे भी तो दो फैक्टर हो ही गया, पहला फैक्टर आपका एक तो सब्सटेंस है, दूसरा फैक्टर कौन सा, वह हीट है, लेकिन दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं है वह हीट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्ट विथ हीट कह सकता है, लेकिन इस तरह नहीं कहना है, डायरेक्ट करना है कि लेट नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है, यानी डिकम्पोज कहने का मतलब ही है कि उसमें हीट हम लोग को देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट NO3 आप लोग को याद होगा तो NO3 के मैंने बोला था नाइट्रेट बोल रहा है, और चूंकि इस NO3 के साथ कौन है पीबी है लेड है, ठीक है, तो लेड जो है वह या इसका इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पे NO3 है तो लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो यह आपका जो कन्वर्ट होता है क्या बनता है PbO, यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ठीक है, इसको बोलेंगे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट जो होता है वह आपका कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट का कोई भी कलर नहीं होता है, यह कलरलेस होता है। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक सब्सटेंस ए है जो कि कलरलेस है, वह डिकम्पोज हो रहा है, वह क्या हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होने के बाद वह तीन सब्सटेंस में वह कन्वर्ट हुआ, बी जो कि येलो कलर का है, बी जो है वह क्या है येलो कलर का है और सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए क्या बोले थे कि बी एक सब्सटेंस बी जो सॉलिड फॉर्म में है और कलर कैसा है येलो है, वह कलर कैसा है येलो है, वह कन्वर्ट हो रहा है। और एक और सी भी है जो कि गैसियस फॉर्म में है, और डी भी है वह भी गैसियस फॉर्म में है। तो आप बताइए ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, यानी कि ए जो कलरलेस है वह डिकम्पोज हो रहा है और अपटर्न हो रहा है, बी जो येलो कलर का सॉलिड है और सी जो गैस है और डी भी जो है वह गैस ही है। तो आपको बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा, अगर रिएक्शन याद है तो आराम से होगा,
कलरलेस बोल रहा है, तो कौन कलरलेस डिकम्पोज हो रहा है? लेड नाइट्रेट, ये आपका लेड नाइट्रेट येलो कलर का बना रहा है। सॉलिड कौन है? लेड ऑक्साइड, तो यह बी होगा लेड ऑक्साइड। सी आपका, जब लेड ऑक्साइड आई है गया तो दोनों लिख देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में जो पूछा जाता है, ठीक है, उस तरह पैराग्राफ टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में, वह भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते सारे का फंडा है कि रिएक्शन आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। अब जो है नेक्स्ट, जो इसको हम लोग यह देखिए कि यह जो है आपका बैलेंस भी नहीं है, इसको आप लोग बैलेंस भी कर दोगे, यहाँ पे आपका ट्वाइस PbO हो जाएगा या 4 NO2 हो जाएगा, और इस तरह से यह क्या हो जाएगा, बैलेंस भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेने वाले हैं, वह आपका देखिए कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि H2O वाटर, वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह अलग अलग हो जाता है, या दोनों आयन के रूप में हो जाता है। ठीक है, जब यह दोनों अलग अलग होगा, यह आपका H2+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यह बैलेंस नहीं है, चलिए बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी देख रहे हैं एक सिंगल सब्सटेंस दो में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस टाइप का भी जो रिएक्शन होगा वह आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि एक सब्सटेंस क्या है, ए नाम का कोई एक सब्सटेंस है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिए, ठीक है, तो वह दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, और वह जो ए सब्सटेंस है वह लिक्विड सब्सटेंस है, तो कौन सा सब्सटेंस होगा, ए आपका वाटर है, बी आपका हाइड्रोजन है, सी आपका ऑक्सीजन है, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा पूछेगा कि व्हाट हैपन H2O में सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप पूछ सकता है कि H2+O2 इसको बैलेंस कीजिए, या तीसरा टाइप, देखिए एक एक रिएक्शन कितना टाइप से पूछा जा सकता है, तीसरा या पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, यह इक्वेशन यह रिएक्शन आपका दे दिया और बोलेगा कौन सा रिएक्शन है बताइए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिएक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, याद रखिए सोडियम क्लोराइड में भी इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाते हैं तो वह आपका सोडियम प्लस क्लोराइड क्लोरीन के फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, जब बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं एक सिंगल दो में कन्वर्ट हो रहा, ठीक है, उसी तरह इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपन करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पैराग्राफ करके भी पूछा जा सकता है, एक्स जो है एक्स सब्सटेंस है, व्हाइट सब्सटेंस है एक्स, जो एक टाइप का सॉल्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो वह दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह व्हाइट सब्सटेंस कौन है जो कि सॉल्ट है, वह NaCl है, NaCl जो है वह दो में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो है एक और हम लोग लेते हैं कि Al2O3 में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी
सप्लाई कर देते हैं तो यह Al प्लस O2 में कन्वर्ट होता है टाइल, यहाँ इसको बैलेंस कर देते हैं 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। यानी कि यह आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपका इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करवाते हैं तो यह क्या बना आपका एल्यूमिनियम बना और ऑक्सीजन बना। इसको कैसे पूछा जा सकता है कि X एक सब्सटेंस है जो कि मेटल का कंपाउंड है, जो कि मेटल का कंपाउंड है एक यह। उसके बाद जो है यह इसको जब मोल्टन, उस एक्स को जब हम यानी कि वह मोल्टेड मेटल का कंपाउंड है, मोल्टेड मतलब क्या होता है पिघला हुआ, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वह वाई और जेड में कन्वर्ट होता है। वाई जो है प्रेसिपिटेट रूप में वह नीचे हो जाता है और आपका जो रेस्ट जो है जेड जो है वह गैसेस रूप में ऊपर चला जाता है। बोल देंगे वह Al2O3 है, एक्स आपका यह हो जाएगा, वाई आपका यह हो जाएगा, जेड आपका यह हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो हीट के प्रेजेंस में, यह सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि प्रायः यह पूछा जाता है वह क्या है कि सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, ठीक है, यह सॉलिड फॉर्म में रहता है या सनलाइट के प्रेजेंट में डीकम्पोज होता है और सिल्वर प्लस क्लोरीन के रूप में या क्या होता है आपका हो जाता है। यहां पे याद रखिएगा यह सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है, एक सिंगल जो है डबल बन रहा है वह सनलाइट के प्रेजेंट में आपका बन रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन जो होगा वह आपका क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा। यह क्या है तो सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, यह सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और सनलाइट के प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते